जी नदरीन आपको बताते चले, थाना मंदरा के इलाके में मौजूद हैं कखड़ा में। यहाँ पे देवर ने अपनी भाभी पर पेशा तशद्दद किया और कमरे में बंद कर दिया। उसके साथ उसकी बहन भी मुलव्वस है, बच्चों पर भी तशद्दद किया, उनको भी तशद्दद का निशाना बनाया। अगर उस औरत की हालत देखी जाए तो हालत काफ़ी उसकी मतलब बेहतर से बाहर हो गई है। आपको मजीद दिखाते हैं, जिस कमरे में उस शख्स ने इस औरत को बंद किया, हम मदस्सर खालक की शिकायत पर यहाँ पे पहुँचे हैं। मंदरा थाने की हदूद है, पुलिस को भी काले किए लेकिन पुलिस टस से मस नहीं हुई। अभी यहाँ मीडिया की टीम पहुँची, आपको मौका दिखाते हैं। ये औरत इधर मौजूद है, इनसे बात करती है। जी सामने जी, क्या नाम है जी आपका? रबीना शहीद। आपके इन्होंने कॉल की है मुझे मदस्सर खालक ने कि हमारी क्या लिखते हैं इनकी आप फुप्पो, हमारी फुप्पो को कमरे में बंद किया उनके देवर नासर ने और उसकी जो नंद है उसने किया। क्या नंद का नाम क्या है जी? सबिया खाना ने बंद करके तशद्दद का निशाना बनाया। किस चीज़ से उन्होंने मारा है, क्या वजह, क्यों मारते हैं आपको? ये किस चीज़ से मारा है? ऐसे जी, हमेशा ही मारते हैं, तशद्दद करते हैं। जी नदीन आपको बताते चला, सीपीओ रावलपिंडी, आरपीओ रावलपिंडी और आई जी पंजाब वजीर पंजाब समान बजदार साहब, सूबाई वजीर कानून मोहम्मद बिशारत राजा साहब, इन पर तशद्दद का निशाना बनाया गया। इस एंटर के जरिए इनके देवर ने मारा है, इनके कमर पे काफ़ी निशान है। मंदरा पुलिस को इतला करने के बावजूद अभी तक यहाँ पे पुलिस भी नहीं पहुँची और तशद्दद का निशाना बनाने वाला मुल्ज़िम मौके से फरार हो गया। मैं आला कामे बाला से अपील करता हूँ कि इनको फौरी तौर पर इंसाफ फराहम करें। मेरे सामने नहीं, नहीं आप बिल्कुल ना रोए, मेरे मैं भी भाइयों वाली हूँ। मेरा भाई अगर ऐसा काम करेगा उसको भी मैं अंदर डालूंगी। किसी की बेटी नहीं, तो मेरे सामने आए आप, निकले इधर आए आप। मारा तो नहीं भाई झगड़ा, मारा मारा की परचाई ना लई है, मैं सोने के अंदर गए हैं, मारे की कैसे बना रहे हैं। और बीवी निकी परचाई ना, तो बीच तो थाने होया ही नहीं था, आप बीच में नहीं थी। बीच में बाहर ऊपर चीज गए हैं, मैं कपड़े धो अब उसका आप साथ देंगे कि वो भाई मेरा गलत है, ये सही है, गलत है, मानती है ये बात, गलत है, गलत है, माफी मांगे अपनी बरजाई से जाके, पांव पकड़े चले, माफी मांगे उसके सामने, जो करना है मैं करूंगी, आप माफी मांगे, आप मुझे काम करें, माफी मांगे, चले नीचे मुड़े, नीचे पांव पकड़े, उधर घुटने ना पकड़े, पांव पकड़े, आपको शर्म आनी चाहिए, पांव पकड़े, मैं भी एक औरत हूँ, चले बात करें। अब आप साइड पे हूँ, भाई का साथ नहीं दे आइंदा के बाद, इन दो औरतों पे अगर मैंने सुना आप तो है ही नहीं, आपने बदतमीजी की या इनको कुछ भी कहा, अगर ये दो औरतें आपकी बदतमीजी करती हैं, काइंडली मैं आपको अपना कार्ड देके जा रही हूँ, फ़ोन करें मुझे, अगर ये गलत हैं इनको भी मैं उसी जगह पहुँचाऊँगी जिधर मेरा काम है। आप गलत हैं, आप आइंदा के बाद इनको इस तरह रखें जिस तरह अपनी सगी बहनें होती हैं, बेटियाँ होती हैं, काम करें मिलजुल के, बैंस का ये मतलब नहीं है कि वो लिख के दे दिया उस पे कि स्टाम हो गया कि बैंस बस सिर्फ इसी की है, इसी ने उसको पानी देना है, इसी ने उसको खाने के लिए देना, नहीं आपका भी काम आने तक के बाद बस मैं आपको इधर ही वो कर रही हूँ, आपकी कोई चीज़ नहीं, लड़का है, लड़के को मैं जिधर तक पहुँचाना हुआ मैं पहुँचाऊंगी, बाकी जो है आप आराम से मिलजुल के देने रहे, लड़की का हमारा मकसद है, लड़का किधर जाएगा, भागा है ना उसको भागने का, मैं बताऊंगी कि कैसे इधर से भागते हैं, ठीक है? आपने आवाज आवाज गलती नहीं कर दी और मेरी बात सुने, आप इधर आए, ये है कि इनको एहसास हो कि मेरे हमने ये झुकाने की बात नहीं है, झुकाने से मैं अगर इधर झुक जाती हूँ मेरी इज्जत कम नहीं होगी, एहसास होता है इंसान को, इज्जत नहीं जाती। अब मेरी बात और सुने, अब मेरी बात सुने, आपने अपनी नंद के साथ कोई बदतमीजी नहीं करनी, कार्ड में देखी जा रही हूँ, कोई भी गड़बड़ करती है फौरन मुझे कॉल करे, 10 मिनट में गाड़ी लेके पहुँचूंगी। और दूसरी बात, आइंदा के बाद मिलजुल के काम करना है, खास करके उस लड़के को तो मैं समझ, मैं उधर किधर लेके जा रही हूँ उसको तो पता ही नहीं, उसको बुलाती हूँ, मेरी बात सुने, उसको बुलाती है, मैं उसको समझाती हूँ, आप में से कोई बंदा इतराज करे तो उसके साथ कोई उसको मारेगा नहीं, मारता इंसान आए सब पढ़े लिखे इंसान हो, आप उसको बुलाएं, मैं उसको कसम से मैं यकीन करेगी इस गेट से उसको बाहर नहीं जाने दूँ, इधर ही बात खत्म करके, देखिए आपके भी खत्म की है, थोड़ा सा मैंने आपको कम्प्रोमाइज़ किया, समझिए ठीक है, आप ना मानती तो मैं आपको जेल गया, जेल में लेके चली गई, इज्जत आपकी अपनी से भी ना रहती, ठीक है? बाकी जो है माफ़ी मांग ली है, ये आपकी बहन की तरह है, ठीक है? आप इनसे जाके तो वो करें, गले मिले, बस बात खत्म करें, शर्मी बहनों की तरह, चलो ठीक है, आप भी मिले, आइंदा बोलती हैं आप बिल्कुल दिल साफ करके मिलना, गंदा दिल नहीं होती, ठीक है? ठीक है बाजी, बात खत्म हो गई है, लेडीज भाई को बुलाएं, भाई की भी बात इधर खत्म करके जाऊँ, ये दौड़ो दौड़ पुलिस के चक्कर में बड़े लानत होती है ऐसे इंसान पे जो पुलिस के चक्कर में जाते हैं, ठीक है ना? इज्जतदार खानदान कभी भी पुलिस तक नहीं जाता, पुलिस आती है ना तो कहते हैं कि बंदा उनसे दूर से मतलब देख के भागता है कि पुलिस आ गई, क्योंकि वो बदनाम चीज़ है, एक दफ़ा दरवाजे पे आ जाए ना गैरतमंद के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं कल इधर एक जगह पे आई हुई थी, जमीन का कोई मसला था, वो जो अंकल
तो उन्होंने भी यही कहा कि हमारे ऊपर जिंदगी में मतलब कि कितनी 60 साल के बाद पर्चा हुआ है पुलिस का, इतने वो परेशान थे। मैंने कहा गैरतमंद खानदान बहुत परेशान होता है पुलिस में, हमारे भी वो खानदान में भाई हैं जिन्हें मैं कहती हूँ वो गलत करेंगे, मैं उनको जहाँ तक मेरे जहाँ तक हिम्मत होगी मैं उनको पहुँचाऊँगी, मेरी भी बात नहीं है। हमने एक मेरा एक भाई है उसको भी मैं सवाल ही नहीं पैदा होता, हम बेने आप नहीं बोलना चाहिए ना, आप खुशबाश रहें। लड़के को सिर बुला लेते हैं, आप ही फिर मेरे पास आप जाए अपने भाई को कॉल करें, ये इतने बंदे आए, मैं उसको एक बंदा मेरे उधर हाथ उठे उसे बुलाए हर घर में, हम बात करते जब देखा थानों में जाएगा उधर से छोड़ उसको कोई नहीं छुड़ाने वाला। इनको दो नंबर खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ, बात इधर ही खत्म हो कि आज सारे मर्दों के सामने इतनी बड़ी उसमें मैंने पाँव ये एहसास की बात होती है, ये माफ़ी ये नहीं होती इनकी कोई इज्जत कम हो गई इज्जत ज़्यादा हो गई है, सिर्फ इनको एहसास हुआ कि मैं एक औरत के पाँव पकड़ रही हूँ ना, औरत के पकड़े ना, एक औरत ने औरत के पकड़े या फिर कोई गलती की तो पकड़े ना। आपको ये दिलाने के लिए कि माफ़ी इसलिए मंगवाई है कि आपको आइंदा एहसास होगा कि कोई आई थी, मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी कोई वो नहीं आई हुई, कोई मैं पीछे से कोई बहुत बड़ी वो नहीं हूँ, मैं भी एक गरीब खानदान से हूँ, ठीक है ना। लेकिन मैं जो इंसाफ होता है ना वो इंसाफ पे चलती हूँ, ठीक है। आपकी गलत दो बातें लगी, आपने कहा कि इसे नहीं मारा, मैंने हालांकि इसका खुद जिस्म देखा, उसकी बुरी हालत बनी हुई है, इस पट्टे से तो बंदा जो होता है ना हैवान चीज़ को भी मारते हुए कांपता है, कहते हैं कि उसको लग जाए इंसान को इससे मारे तो फिर क्या है, ठीक है बस ठीक है। नहीं नहीं उसको बुलाएं, उसकी गलती माफ़ नहीं है, उसको बुलाएं, उसकी गलती नहीं, उसको तो नहीं माफ़ी, उसको तो उधर माफ़ी।